अल्हम्दुलिल्लाह, आज मक्का मस्जिद के लाइट का काम पूरा हो गया। जो एलुमिनेशन का काम था पूरा हुआ है। इसमें हमारे तमाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतबरीन महाजन कैम्प के इन तरह की तमाम की काफ़ी मेहनत रही है। कयूम साहब, हफीज़ साहब, तमाम नौजवानों ने महाजन कैम्प, इन लोगों की मेहनत की वजह से और जो गुत्तेदार हमारे यहाँ पर हैं और बंदिया हैं, लाइट के जो इंजीनियर हैं, उन तमाम की कोशिशों की वजह से और लाइट के जो गुत्तेदार हैं, उन तमाम की कोशिशों की वजह से आज लाइट का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसको मैं भी देखने के लिए आया और बहुत ही अच्छे अंदाज में काम हुआ है। तो झूमरों का काम जो होने का था वो पीछे झूमर वो भी लग गए हैं। आज परसों मैंने हिदायत दी थी किसी भी तरह झूमर लगना, पीछे झूमर भी लग गए हैं। तमाम पक्कों का काम हुआ है, कूलर्स का काम हुआ है और चार मीनार यूनानी दवाखाना निज़ामिया यूनानी दवाखाने के ऊपर भी लाइट पड़ेगी और तमाम चार कमानों पर लाइट पड़ेगी और चौकी मस्जिद पर भी लाइट पड़ेगी। तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जसब मिल्लत बैरिस्टर लाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, उनके नुमाइंदगी के ऊपर ही तमाम काम ये हुआ है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि यहाँ पर तमाम रोज़दारों को रोज़ा खोलने के लिए जो आते हैं और तरावी के लिए जो मुसल्ली आते हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। पूरा काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। टॉयलेट्स का काम हुआ है, पानी के कूलर्स लगाए गए हैं और बल्दिया की जानिब से साफ़ सफाई का भी काम होगा। सब काम मुकम्मल रमज़ान से पहले हो चुका है। मैं तमाम हमारे गुत्तेदार साहब हैं, बल्दिया के ऑफिसर्स हैं और जो हमारे सुदूर मुतमदीन हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के और महाजरीन कैंप के नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से ये काम रमजान शरीफ से पहले कंप्लीट कर गए हैं। चार मीनार दवाखाने में यूनानी निज़ामिया दवाखाने पार्किंग रहेगी और जो बस स्टैंड है जी, बस स्टैंड में पार्किंग रहेगी। मैं आज बात किया हूँ, पूरा साफ़ सफाई होने वाली है उसकी जी। साफ़ सफाई होकर मुसल्ली आएंगे यहाँ पर तरावी के लिए और जो रोज़दार आएंगे रोज़ा खोलने के लिए, उन तमाम की पार्किंग वहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम जो है तरावी स्टार्ट हो जाने के बाद में जो है चार मीनार दवाखाने के आरएम जो है मैडम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे थे, फिर पुलिस आई करी, उसके बाद जो है पत्थरकट्टी कारपेंटर सोहेल कादरी साहब आए, उन्होंने आके जो है फिर उसको रेक्टिफाई कराए, अपना लेटर दिए थे। तो इस ताल्लुक से आप भी जो है अगर लेटर दिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। नहीं, ये उनको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, पहले मैं उनको बोल चुका हूँ जी कि रमज़ान में पार्किंग होगी और यहाँ पे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उनको ऑलरेडी मैं बोलता हूँ। क्योंकि उससे हो रहा है कि जो मुसल्ली जो आ रहे हैं, अगर उनको पार्किंग नहीं मिल रही तो मेन रोड पे उधर से फायर स्टेशन से जो बसेस आते हैं, ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा जो है ट्रैफिक वाले रोड पे होने के बाद उनके गाड़ियों को फोटोज़ मार रहे हैं। तो अगर आप ट्रैफिक एसी भी चार मीनार को भी अगर इस ताल्लुक से अगर आप जो है देखिए, मैं तयक्कुन दिला रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको भी बोलूँगा, ना किसी का चालान होगा, तो नमाज के लिए जो लोग आएंगे उनकी गाड़ियाँ हमें अंदाजे सही अंदाजे पुलिस से बात करके कैसा ठहराना वो भी ठहराएंगे और किसी को चालान नहीं हुआ सा हम काम करेंगे, उनको हिदायत दी जाएगी। बस स्टैंड के अंदर भी अगर आप लाइटिंग, बस स्टैंड में लाइटिंग लगाई जाएगी, चार मीनार दवाखाने पर लाइट लग रही है, अब तो बस स्टैंड में लाइट लगाई जा रही है। साफ़ सुथरी करके पार्किंग हुई, आज ही मैंने बात किया हूँ, आप जो हमारे डॉक्टर हैं एम ओ डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी से बात किया हूँ, हमारे ई से बात किया हूँ, जोनल कमिश्नर से बात किया हूँ, डी एम सी से बात किया हूँ आज, क्योंकि आज छुट्टी थी उनको शिवरात्रि की और कल भी छुट्टी, हो सकता है पीर के दिन काम हो जाए, हुआ तो कल भी काम हो जाएगा।